मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय दिल्ली दौरे पर है, जहां वे केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। प्रदेश के विकास को लेकर कई योजनाओं का खाका भी तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के लिए स्थायी रूप से केंद्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति का अनुरोध किया है। देखिए, हमारे आपको मालूम है कि समय समय पर जो बिजली की क्राइसिस रहती है और कई बार हमको बाहर से परचेज करनी पड़ती है, जो काफ़ी महंगे दामों पर हमको मिल पाती है, तो उसके लिए हम अपने रिसोर्सेज तैयार करें। लगातार सरकार प्रयासरत है और उसी क्रम में, क्योंकि अब सरकार नई गठित हुई है और कई मंत्री बदले भी हैं, तो उसी में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से माननीय मुख्यमंत्री मिले हैं और उन्होंने जो अपनी मंशा है, जो अपनी मांग है, उनके सामने रखी है और मैं समझता हूं उसके सकारात्मक परिणाम भी आएंगे। कांग्रेस ने महिला अपराधों के मसले पर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर राज्य और केंद्र सरकार पर अपराधियों के संरक्षण के आरोप लगाए हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि महिला अपराधों से जुड़े मामले में भाजपा ने नेताओं का नाम बार बार आता है, जहां पर उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। भले ही उन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया, लेकिन ये बताएं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई। अगर मेरे से पूछे तो अगर आरएसएस के संजय कुमार पे खाली उनको प्रदेश से बाहर ना भेजा गया होता, कार्रवाई होती, तो आज हिम्मत नहीं होती। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अगर वीआईपी को ना बचाया गया होता, अगर डोजर नहीं चलाया होता, सबूत नहीं मिटाए होते, आग नहीं लगाई होती और वीआईपी पकड़ा जाता, तो छुट भाई ये नेताओं की हिम्मत नहीं होती। चाहे वो इनका किसान मोर्चे का अध्यक्ष हो जिसने मॉलेस्ट किया, चाहे वो इनका चंपावत का अध्यक्ष हो जिसने नाबालिग का बलात्कार किया, आज जमानत में बाहर है, चाहे 26 जून को बहुत ही बड़ी घटना घटी भादराबाद में, भाजपा नेता और ओबीसी के आयोग का जो सदस्य था, इसका नाम है आदित्य सैनी, इसने एक 14 साल की लड़की का बलात्कार और उसके बाद मर्डर हो गया, ये घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाते। उत्तरकाशी की 4 बहनों को अगर न्याय टाइम पे मिल गया होता जो SC ST की थी, तो शायद ये हिम्मत ना बढ़ती, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अपराधों को नियंत्रण करने में नाकाम है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस अब उपचुनाव में एक एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर उत्तराखंड में तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव होते हैं तो शायद नतीजे कुछ और ही होते, क्योंकि लोगों को भाजपा के प्रति मानस बदलना शुरू हो गया है, जहां पर उन्होंने कहा कि परिणाम कुछ होगा क्योंकि उत्तराखंड ने ये देख लिया है कि देश परिवर्तन की तरफ जा रहा है और हम पीछे रह गए, जिसे देखते हुए उत्तराखंड उछाल लगाकर उपचुनावों में कांग्रेस को विजय बनाएगा। असर नहीं पड़ने वाला था। आप वोटों को देखिए, आप भाजपा को मिले हुए वोटों के प्रतिशत को देखिए, तो इसलिए वो प्रतिशत या वो संख्या इस बात को झुठलाती है, लोगों का मानस उत्तराखंड का हम नहीं बदल पाए। हम देश के दूसरे क्षेत्रों में मानस बदला, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ यदि थर्ड राउंड में चुनाव होते तो हो सकता परिणाम कुछ दूसरे होते, क्योंकि तो मानस बदलना प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी और वो लक्षण कुछ हरिद्वार में दिखाई दिए, इसीलिए 6 विधानसभा सीटों में हम जीते, लेकिन वो चीजें ज्यादा बढ़। मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। मंगलौर CEO विवेक कुमार ने बताया कि मंगलौर उपचुनाव को लेकर ITBP फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, PSC, राजस्थानी पुलिस के साथ ही पूरी विधानसभा में फ्लैग मार्च निकाला, जहां चुनावी माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा। अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। जबकि सर्वविदित है कि बंगलौर में जो बाय इलेक्शन विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसी के संदर्भ में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई हमारे द्वारा SSB के साथ की गई है और इसमें सभी को हिदायत दी गई है कि जो शांतिपूर्ण माहौल है वो बना रहे, कोई अफवाह ना फैलाए और कोई चुनाव में गड़बड़ी करने की हिंसा फैलाए।
पर्यटन विभाग एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर प्रयास कर रहा है, जहां पे मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट के बाद अब रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो टूरिज्म की तैयारी की जा रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो विलेज बन रहा है। मसूरी का जॉर्ज एवरेस्ट पर्यटक का केंद्र बना हुआ है, जहाँ पे भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पहाड़ों की चोटियों में प्राकृतिक माहौल के अंदर टेलीस्कोप के माध्यम से लोग तारों के दर्शन करें, जिसके लिए हम लोग एस्ट्रो टूरिज्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इस समय रुद्रप्रयाग में कर रहे हैं, वहां पर बना रहे हैं एक एस्ट्रो वहां पर विलेज बन रहा है। और आप जानते हैं जॉर्ज एवरेस्ट हमारा बहुत ही आइकॉनिक स्टेशन है, केंद्र है, लोग वहाँ देखने जा रहे हैं, बहुत सा ज्ञान वहाँ से प्राप्त होता है। आप भी देखने गए होंगे तो बहुत अच्छा वहाँ पर है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे पहाड़ों की चोटियाँ हैं, जैसे देवप्रयाग के अंदर वहाँ पर गुरु जी का एक ज्योतिष पीठ थी, तो वहाँ से वो टेलीस्कोप लगा के तारों को देखते थे, तो काफ़ी लोगों ने आपके आपके कार्तिकेय स्वामी में भी वहाँ टेलीस्कोप लगा है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक हुई, इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुसार जिला विकास प्राधिकरण हल्द्वानी में ग्रीन बेल्ट विकसित करेगा। इसमें अधिकतर बेल और रेंगने वाले पौधे लगाए जाएंगे, जहां पर इसके अलावा जो बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट या कॉम्प्लेक्स है उनकी अनुमति प्राधिकरण द्वारा दी गई है, उनमें रूफ वाटर हार्वेस्टिंग और निर्देश दिए गए हैं, इसकी पालना की जाएगी। कुछ क्षेत्र में, एक लिमिटेड क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इसमें उनका एक्सपेक्टेशन है, हम अच्छा प्लांटेशन कराएं। बहुत बड़े पेड़ों का हम नहीं करना चाहते, लेकिन क्रीपर्स का, ऐसे क्रीपर्स हैं, ऐसी लताएं हैं जो साल भर रहती हैं, उसका प्लांटेशन हम करवाएंगे और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से होगा। सिमिलरली एक पायलट बेसिस पे बहुत ही अच्छा ओपन जिम किसी पार्क में एस्टैब्लिश हम लोग कराएंगे। नगर निगम के कुछ प्रस्ताव थे सड़कों के, सामुदायिक भवन के, वो हम लोगों ने पास किए हैं। एक इस बात पे निर्णय लिया है कि पूर्व में जो स्वीकृतियां प्राधिकरण ने दी हैं, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग की हो, चाहे बड़े कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स की, उसमें मॉल वगैरह भी होते हैं, इसमें अनिवार्य शर्त होती है कि वो अपना रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। इस बार आप जानते हैं पानी की दिक्कत जगह जगह हमको फेस करनी पड़ी, हल्द्वानी में भी, अन्य जगहों पर भी, पहाड़ों में भी ग्रुप हाउसिंग के नक्शे पास हुए हैं। तो अगली बार ये स्टेटस रिपोर्ट मांगा है कि कितनी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें स्वीकृतियां दी गई थी, कितनों ने इसका अनुपालन किया, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करी है या नहीं करी है। यदि नहीं करी है तो फिर अगली बार उनको हम शोकॉज नोटिस भेजेंगे। पौड़ी पुलिस ने 980,000 की साइबर धोखाधड़ी का मामला का खुलासा किया। उनमें मामले में एक साइबर ठग को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया। पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह इस तरह की धोखाधड़ी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हैं। इस मामले में पुलिस टीम ने ठोस साक्ष्य और कुशल सुराग बरामद किए। विभिन्न प्रदेशों के दबिश देकर विभिन्न भैसामऊ क्रॉसिंग लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जहां पे पुलिस अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के भी प्रयास कर रही है। कोतवाली कोटद्वार में हमारे पास एक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता के साथ कुल 980,000 रुपए की धोखाधड़ी हो गई थी। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने उसमें मुकदमा पंजीकृत किया, और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत ये हमने पाया कि एक गैंग के द्वारा बिहार से ऑपरेट किया जाता है, जिसमें गूगल पे टोल फ्री नंबर्स फ्लैश किए जाते हैं, और ये नंबर्स पे जैसे ही कोई शिकायत करता है या कोई व्यक्ति कॉल करता है तो आपके अकाउंट्स की डिटेल्स हैक कर ली जाती हैं, और जिससे आपके अकाउंट में डिडक्शन हो जाती है। उक्त गैंग के एक सदस्य को हम लोग गिरफ्तार करके लाए हैं और आज माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरा समाज जनता से भी अनुरोध है कि यदि आप गूगल से कोई भी नंबर सर्च करते हैं, किसी बैंक या UPI का टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करने का प्रयास करते हैं, तो ये अवश्य जांच लें कि ये नंबर सही है या गलत है। देहरादून में मॉनसून की दस्तक के बाद शहर में मॉनसून की स्थिति बनी हुई है। मॉनसून आने के साथ ही नगर निगम अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है।
देखिए गत दिवसों से जो है मौसम में अचानक जो है तापमान में गिरावट आई है तथा वर्षा भी जो है लगभग जो है मानसून आने की पूरी उसमें द्वार पे खड़ा है, जिस कारण से जो है हम लोग पूर्व की भांति जो है अब इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है उसमें। ये हमने अपना आपदा कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है जल निकासी हेतु और अन्य समस्याओं के लिए, तथा साथ ही साथ जो है हमारा जो लार्विसाइडल का छिड़काव है वो भी अब हम लोगों ने जो है 5 ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से जो है हमारे स्प्रिंकलर्स के माध्यम से वो किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो है फॉगिंग का कार्य 100 वार्डों में जो है छोटी मशीनों से। 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटिक कराई जाएगी। केंद्र सरकार के आदेश के बाद उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में वाहनों की जांच के लिए 12 ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट सेंटर बनाए जा रहे हैं। इनमें से 4 सेंटर देहरादून, रुद्रपुर, हरिद्वार और हल्द्वानी में ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर शुरू हो गया है, जबकि सेलाकुई और रुड़की में ये निर्माणधीन है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के सहयोग से ऋषिकेश और कोटद्वार में कार्य चल रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार की ओर से 4 फिटनेस सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर उत्तरकाशी, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर निर्माण का कार्य चल रहा है। पंतनगर थाने के थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डागी का शर्मसार करने वाला एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसे थाना प्रभारी एक युवती से अश्लील बातचीत कर रहा है। किच्छा विधायक तिलक राज बहड़ ने देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार से मुलाकात कर थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की मांग की है। देखिए, मैं पंतनगर का एक परिवार है, उन दोनों परिवारों का आपस में कुछ किसी बात पे कहास नहीं हो गया। जो पीड़ित पक्ष है जिसकी बात मैं बात कर रहा हूँ, उसके घर में घुस लोगों ने घुस के मारा, उल्टा उन्हीं को पुलिस ने, पंतनगर के एसओ ने, डांगी ने आकर जेल भेज दिया। वो जमानत पे छूट गया है। 2 बहनें हैं, एक बहन जेल चली गई, उसके पिताजी जेल चले गए। अब उन्होंने अपना पक्ष भी रखा कि हमारा भी मुकदमा कायम किया जाए। उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की, उस पर भी दबाव बन रहा था कि वापस ले लो। अब वो इस करते करते वो एसओ के पास संपर्क में थी एक बहन उनकी कि अब हमारा मुकदमा लिखो, तो उससे एसओ साहब ने अश्लील बातें की हैं। उसकी मैंने जो है पूरी की पूरी जो है क्लिप उसकी डीजीपी को सौंपी है, जांच की मांग की है। डीजीपी ने जांच कर FIR दर्ज करने के आदेश किए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।